हूं मनीष, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। द न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के मुंगेर जिला में जो राजनीतिक उबाल पूरे शबाब पर है। ऐसा क्यों हुआ, आप सभी जानते हैं कि मुंगेर लोकसभा सीट से बिहार के मुख्यमंत्री के करीबी ललन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसी बीच मुंगेर सीट से छोटे सरकार के रूप में चर्चित मोकामा विधायक अनंत सिंह ने भी मीडिया में दावेदारी घोषित कर दी है। अनंत सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को अच्छा नेता कहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खिंचाई कर दी। इससे इस बात को बल मिलने लगा है कि अनंत सिंह महागठबंधन से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया कर्मियों ने तेजस्वी यादव को से ये सवाल खड़े किए तो तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे नकार दिया। ऐसे में अनंत सिंह के लिए मुंगेर सीट से महागठबंधन में नो एंट्री लग गई है। अब सवाल उठता है कि अनंत सिंह किस दल से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अनंत सिंह ने मुंगेर से हर हाल में चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है, वे निर्दलीय भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं। इस बीच मुंगेर सांसद वीणा देवी के बारे में सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि उन्हें नवादा से चुनाव लड़ना पड़ सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ललन सिंह मुंगेर से NDA के खेमे में आ सकते हैं। राजनीति में तो न ललन सिंह का रसूख कम है और ना ही सांसद वीणा देवी का। अभी तक लोगों में इसी तर्क वितर्क में थे कि अनंत सिंह ने मीडिया में अपनी मुंगेर सीट से संभावित उम्मीदवार बताकर एक नया मोड बिहार की राजनीति में खड़ा कर दिया है। खैर जो भी हो, कौन कहां से उम्मीदवार होगा यह आने वाला समय बताएगा। द न्यूज़ 9X मुंगेर से हर जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचाता रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।